चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ जो यूपीएससीएल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैं आपको एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस करा रही थी। एमएस एक्सेल आपका अप्रॉक्स क्वेश्चन में कंप्लीट हो चुका है, बस शायद मैं एक लेक्चर और कराऊंगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक या दो लेक्चर, तो वो बीच में कभी भी आ सकता है उसका वीडियो। अब मैं आपको इंटरनेट या और टॉपिक्स जो हैं उनके क्वेश्चन कराऊँगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन, इंटरनेट या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड, जो जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए क्या आवश्यक है? एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करना है, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट कनेक्शन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अगर आपको एक वेब पेज चाहिए इंटरनेट पर तो उसके लिए ब्राउज़र होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, वेब सर्वर, तो सारी चीज़ें ही इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल क्या है? एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, एक ऑफलाइन कम्युनिकेशन है, ए और बी दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ईमेल एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है, किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद होता है। वेब पेज के एड्रेस के बाद क्या होता है? वेब पेज का नाम, होस्ट सर्वर का एड्रेस, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा होस्ट सर्वर का एड्रेस होता है वेब पेज के एड्रेस के बाद। ठीक है ना? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद उसके होस्ट सर्वर का एड्रेस आता है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का पता देने वाली प्रणाली कौन सी है? इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का पता देने वाली प्रणाली कौन सी होती है? ईएनएस, डीएनएस, आरएनएस, ईएनएस। तो आपने ये काफ़ी बार सुना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं एफटीपी, ईमेल, ई कॉमर्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज इंटरनेट पर आप ईमेल भी यूज़ करते हो, ई कॉमर्स भी यूज़ करते हो, और एफटीपी होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सारी ही आपकी इंटरनेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के प्रथम भाग में क्या होता है? ईमेल का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए, सेंडर का एड्रेस, रेसिपिएंट या मतलब पाने वाले का एड्रेस, ईमेल का विषय, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। फर्स्ट पार्ट में ये तीनों चीज़ें ही आती हैं, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, ईमेल का सब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल प्रारूप के किस भाग में वास्तविक संदेश लिखा जाता है? तो जो मेन मैसेज होता है वो किस भाग में लिखा जाता है? तृतीय भाग में, द्वितीय भाग में, ए और बी दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड पार्ट जो होता है उसमें आपका रियल जो होता है मैसेज वो लिखा जाता है। निम्न में से वेब ब्राउज़र है, कौन सा वेब ब्राउज़र है बताना है? विन वेब, एक्सप्लोरर, नेटस्केप, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें सारे ही आपके ब्राउज़र्स हैं। निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा, ASP, HTML, ऑल ऑफ द एबव। इसमें HTML आपकी जो होती है, जो वेब पेज लिखने के काम आती है, वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज आप उसको बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए सर्वप्रथम कौन सा ब्राउज़र था? मतलब सर्वप्रथम ब्राउज़र जो है सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए, उसका नाम क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? नेटस्केप नेविगेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना क्या कहलाता है? तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि अगर आपको इंटरनेट पर किसी और से बात करना है तो वो प्रोसेस क्या होता है? चैटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयरवेयर क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, प्रयोग के लिए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर जो ट्रायल पीरियड के लिए हो, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? शेयरवेयर प्रयोग के लिए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रायल पीरियड के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? सर्फिंग, गैम्बलिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सर्फिंग बोलते हैं इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को। ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? ईमेल एड्रेस में देखो पार्ट वाइज होता है, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन, यूज़र आईडी, रेंज, उनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? यूज़र आईडी। जो पहला आपका ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल आपने दिया हुआ है कि abc@gmail.com, तो ठीक है मैंने एग्जाम्पल पर ले लिया, वो बाकी की बात हो रही, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपकी यूज़र आईडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वेबसाइट कौन सी है? तो इसमें आप देख सकते हैं चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही वेबसाइट का एड्रेस लिखने का तरीका पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, www.rediff.com।
www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? पहली बात तो www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब इस पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? तो इस पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को बोलते हैं स्पाइडर। निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? rediff.com, lycos.com, ईमेल, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब से ही आप, ईमेल तो फ्री में ही होता है, कोई उसका पैसा नहीं लगता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? सबको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है या फिर ब्राउज़र प्रोग्राम है। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं, किसकी मदद से? ब्राउज़र प्रोग्राम की मदद से, टेलनेट की मदद से, डेटाबेस की मदद से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ब्राउज़र प्रोग्राम की मदद से। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए कौन सा नेटवर्क उपयुक्त होता है? लैन, वैन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? लैन होता है एक लिमिटेड एरिया, एक बिल्डिंग के लिए जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं? डेटाबेस का, सर्च इंजन का, ब्राउज़र का, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? अगर हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो उसके लिए सर्च इंजन का यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर। वेब को लिखा जा सकता है नोटपैड पर, वर्ड पैड पर, एमएस वर्ड पर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो हम वेब पेज की जो लिखते हैं वो हम सब पे लिख सकते हैं, नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, इन सब पर लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए यूज़र को किस में प्रवेश करना होता है? वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए यूज़र को किस में प्रवेश करना होता है? URL, www, PPP, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? URL। अगर आप कोई वेबसाइट पर जाना है तो आपको उसका URL एंटर करना होगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि उस वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस डालना होता है आपको टैब में, तो उसे बोलते हैं URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल, अल्टा विस्टा, याहू, उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपरोक्त सभी। तो सारे ही आपके सर्च इंजन हैं, गूगल भी, याहू भी, ये सारे सर्च इंजन हैं। इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना ये क्या कहलाता है? ई बिजनेस, ई लेटर, साइबर मेल, ई मेल। तो इसका आंसर क्या होगा? ई मेल। अगर हम किसी दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं तो हम ई मेल कर रहे हैं, मतलब मैसेज किसी के मेल बॉक्स में भेज रहे हैं तब ई मेल होता है। वैसे मैसेज भेजने में कि बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? ASCLL, RAM, DBA, TCP/IP। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। कॉम किस प्रकार की व्यवस्था वेबसाइट को सूचित करता है? देखिए .com आपने सुना होगा, तो उसमें जो कॉम शब्द होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस प्रकार की व्यवस्था वेबसाइट को सूचित करता है। बिकॉज कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स होती हैं जिनके एड्रेस में लास्ट में .com आता है, तो वो किस प्रकार की वेबसाइट होती है ये पूछा गया है। वाणिज्य, जटिल, कंपनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वाणिज्य होती है वेबसाइट, वाणिज्य टाइप होता है वेबसाइट का। ISP का मतलब क्या होता है? ISP का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंटरनल सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस प्लान, इंटीग्रल सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका सही आंसर लास्ट ऑप्शन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेज के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करता है? ठीक है, वेब रिसोर्सेज को पाने के लिए आपको एक वे प्रोवाइड करता है, कौन सा प्रोग्राम होता है? ब्राउज़र, सर्च इंजन, प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राउज़र। अगर आपको वेब रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो ब्राउज़र पर जाना पड़ेगा आपको, तभी आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व भर में कौन से वेब सर्च इंजन प्रयोग किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला सर्च इंजन बताना है आपको। ऑप्शंस देख लीजिए, डोमेन, गूगल, टॉगल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बहुत ईजी है, सबको पता है कि गूगल यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा गूगल। तो चलिए ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इंटरनेट और कम्युनिकेशन के। इस टॉपिक के मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगी, और बेसिक कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन भी आएंगे। हाँ, अभी वीडियोस बनाने में कुछ गैप हो जाता है, कुछ टाइम लग जाता है,
पर मैं वीडियोस आपके प्रोवाइड करती रहूँगी। कभी कभी हो सकता है कि इस तरह से गैप हो जाए, बट वीडियोस आपके कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम तक आते रहेंगे और ट्राई करूँगी कि ये गैप ना हो। चलिए ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।